जो इसमें राजा के लिए बताया कि आपके सामने सामने आपके पुत्रों का निधन हो जाए, आपके सामने सामने आपके नाती भी जो है सर्व सदा जाए और आगे की जो है परंपरा में भी बहुत सारी संतति जो है आपके सामने सामने मरण को प्राप्त हो जाए। राजा क्रोधित होकर के उसके लिए मृत्यु दंड देते हैं और जब समझदार मंत्री उसी बात को कहता है कि आपकी इतनी उम्र है कि कई पीढ़ियां आपकी आपके सामने आप देख सकेंगे, तो राजा प्रसन्न होकर के उनके लिए पारितोषिक देता है। एक ही बात को कहने के तरीके में एक लाभान्वित होता है और एक हानि को प्राप्त होता है। राजा जी नमोवर्ष की प्रश्नों का रत्न वाला है, अगले प्रश्न के रूप में है, कौन भूख है कौन भूखा है यह काली ज्ञानी भक्तों का जाना, जो समय पर मधुर बोलना प्रिय बोलना नहीं जानता वो भूखा है। जहां चिंपांजी और मनुष्य में भी तुलना की जाती है तो मात्र वैज्ञानिकों के अनुसार 2% की जीन्स का अंतर आता है और वो 2% की जीन्स में ही शब्द और अपने भावों की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से मानव की एक अलग पहचान है। जहां शब्दों के माध्यम से अपन अपने भावों को प्रकट करते हैं और उस समय में भी मधुर वचन बोलते हैं तो सबके लिए हितकारी लगते हैं और अप्रिय वचन किसी को सुहाते हैं। जहां दोष वाले चमौनम ये भी कहा जाता है कि दोष किसी के देख करके उनका वर्णन ना करें उसके लिए मैं भूखा बन जाऊं, लेकिन यहां जब यदि असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भी जो है भूखे के समान ही कहा गया है। परिवार में बहुत सारे लोग जहां पर माता पिता में बेटे नाती आदि बहुत सारे लोग होते हैं और जब संबंधों में खटास आती है तो कई बार जो है घर में रहकर के भी लोग जो है अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, ध्यान नहीं जाता। कई कई बार तो जो है महाराज जी के सामने भी जो है अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, इतना जो है उसमें रचपच जाते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता कि हम जहां पर जिन शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए वो भी जो है देवशास्त्र गुरु की संगति में उच्चारित हो जाते हैं। जहां पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं तो उस समय में अजी सुनते हो ये शब्द निकलते हैं और जहां पर जब खटास हो जाती है तो क्या प्यारे हो गए। मान भी जाओ ना कहते कहते भार में जाओ ना भी निकलने लगता है। जहां कुछ बातें करो और उसके बाद में अब ज्यादा बातें मत बनाओ। नसीब से मिले थे के साथ साथ में नसीब फूटे थे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होने लगता है। तो ये क्या है, शब्दों का प्रयोग यदि अच्छा नहीं होता तो उस समय में कोई वहां से निकल भी रहा हो तो उनको सुनकर के वो जो है समझ सकता है कि
की अब जो है मधुरता संबंधों में नहीं रही। जहां माता और बेटे का संबंध बड़ा अच्छा पवित्र माना जाता है, लेकिन समय की परिणामी है कि बहुत सारे पुत्र अपने माता को जो है विदेश जाना है, अब यहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती, तो उन्होंने जो है भगिनी को बेच दिया। माता सोच रही है कि वो हमको साथ में लेकर के जाएगा, और बेटा कहता है कि वहां पर हम दोनों काम करते हैं, आपको परेशान हो जाओ इसलिए आपके यहां पर वृद्धाश्रम कहते हैं। वृद्धाश्रम में मां है, और एक रात में उसको जो है नींद नहीं आती है, वो अपने पुत्र के मुख में वहां पर मदद करती है, और उसी बीच में उसकी दृष्टि कैलेंडर पर जाती है। कैलेंडर को देख करके उसको याद आता है कि अरे आज तो जो है मेरे बेटे का जन्म हुआ है, और वो जो है उसको फोन लगा देती है। फोन उठा करके बेटा कहता है कि मेरी नींद क्यों खराब कर दी। उसने कहा कि आज तुम्हारा जन्म हुआ है तो अगले कल सुबह भी जो है बधाई दी जा सकती थी, इतनी रात को जो है क्यों नींद खराब कर दी। उस समय में मां कहती है कि मेरे बात सुनने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो, लेकिन जहां संबंधों की कोई लिहाज ही नहीं है वहां पर बच्चा अपशब्द का प्रयोग करता है। और उस समय में मां कहती है कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन तो मेरी पूरी रात बिगड़ गई थी, यहां तो केवल तुम्हारी नींद खराब होने की बात हो गई। तो फोन रख देती है, लेकिन जहां जो कहा जा रहा है यदि अपशब्दों का प्रयोग होता है तो वो वहां पर किसी के लिए अच्छा नहीं लगता। बहु जहां पर कई होती है, जवानी जेठानी रहती है, उनमें भी आपस में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जो मध्यम परिवार की बड़ी बहु थी और जो छोटी बहु आई थी वो धनाढ्य परिवार की। एक दिन उसने अपनी जेठानी से कहा कि ये साड़ी आपके ऊपर जमती नहीं है, ये तो हम जैसे जो है गोरे लोगों के ऊपर अच्छी लगती है। अब जो है बहुत दिनों से कई कई बातों को सुनते सुनते जब अति हो गई तो उसने अपने पति से जो है शिकायत कर दी। पति ने अपने भाई से, छोटे भाई से बात की, और छोटे भाई ने कहा कि हाँ वो फसल दिखाती रहती है अपनी, अब उसको जो है ठीक करना चाहती। बड़े भाई ने कहा कि कोई भी कार्य करना है तो समझ करके करना चाहिए, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो सकती है। और उस समय वो कहता है कि दोनों बहुओं को बुलाने के लिए आदेश देता है, दोनों वहां पर आती है, और वो कहता है कि हम दोनों भाइयों ने ये निर्णय लिया है कि सुना है कि तुम लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है, जब तक तुम लोगों के बीच के संबंध अच्छे नहीं हो जाते तब तक हम दोनों जो है एक साथ शयन करेंगे और आप लोगों को एक साथ शयन करेंगे, और यदि तुम्हें ये समझौता मंजूर नहीं है तो अपने अपने मायके जा सकती हो, और हम लोग जो है कोई रसोई को रख लेंगे, उसके माध्यम से हमारा तो कार्य चल जाए। जब सुना तो वो देवरानी को लगा कि ये तो बात बिगड़ जाएगी, तो वो जो है अपनी जेठानी के चरण छूने के लिए वहां पर झुकती है, रोती हुई कहती है कि भाभी गलती हो गई, मैंने ज्यादा बोल दिया। और उस समय जेठानी भी उसको ऊपर उठा करके गले लगा करके कहती है कि मैंने भी जो है ज्यादा दूध दे दिया, मुझे
मुझे मालूम नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर इस प्रकार का जो है वातावरण बन जाए, लेकिन शब्दों का प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। जहां सांस और रूप के बीच में भी अनबन होती रहती है, हमने एक बार पहले सुनाया था कि सांस जहां छत के ऊपर से अर्थ देख रही थी और प्रभु ने कह दिया कि क्या देख रही हो, तो उसने कहा अर्थ निकल रही है, तो उसने कह दिया कि तुम्हारी कब निकलेगी। और वो जो प्रभु है उसी दिन उसकी गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से अर्थ निकल गई। लेकिन शब्दों का प्रयोग कितना जो है अंत तक पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। एक ऐसे ही सास एक जगह बैठने गई थी और आकर के उस घर की बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी कि मैं जब गई तो मुझे सबसे पहले ठंडा मिलाया, फिर बाद में जो है फल लेके आई, फिर मिठाई खिलाई और आखिरी आखिरी में चाय से मेरी को बिताई। कितनी अच्छी बहू मेरी है। अपनी बात और आगे बढ़ाती इतने में उनकी कोई रिश्ते की मौसी वहां पर आ गई और जब वो आई तो उस समय में प्रभु ने सोचा कि इन्होंने जैसे उसकी तारीफ की है कितनी अच्छी बहू है, तो उससे भी सबसे पहले ठंडा फिर मिठाई फिर फल और चाय पेश की। जब मौसी चली गई तो सास चिल्लाने लगी, इतना सारा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी, तुम्हें तो अपनी ही नहीं है। अब बहू सोच रही है कि कोई काम दूसरे की बहू करती है तो बड़ी अच्छी, और कोई काम मैं करती हूं तो मेरे पास आता। जहां पिता और पुत्र का संबंध भी बड़ा पवित्र माना जाता है, उसमें एक पुत्र सर्विस करता है, शहर में रहता है सरकारी क्वार्टर में और पिता गांव में रहते हैं। जब बरसात बहुत हुई और वो घर टूट गया तो मजबूरी में पिता को पुत्र के यहां पर जाना। जब पहुंचा तो उस समय में नाती था, नाती के साथ में खेल करके सारी बात, वो कहता दादाजी आपको यहीं पर रहना पड़ेगा बेटा, आपको रहना ही पड़ेगा। और उस समय में उसके पिता आते हैं, यानी वृद्ध के पुत्र आते हैं ऑफिस से, और उस समय में बेटा जो है छोटा सा जाकर के खेलते हुए कहता है कि दादाजी आए हैं, आपको वो अपने साथ ही रहेंगे। और उस समय वो घर में घुसते हुए कहता है कि इस महंगाई के जमाने में एक और मुसीबत आ गई, अब वो छोटा सा बच्चा जो सुनता है जाता है दादाजी के पास और कहता है दादाजी आपका नाम एक और कोई दूसरा नाम भी है। वो कहते हैं बेटा हमारा तो एक ही नाम है, नहीं हमने सुना है हमारे पिताजी बोल रहे थे आपका एक दूसरा भी नाम है। और जब वो सुनाता है तो दादाजी सुन करके कहते हैं कि जिस वृक्ष के ऊपर मैं शरण होने के लिए आया हूं लगता है वो तो अपराध हो चुका है। भाई बहन का रिश्ते के बारे में भी कि बहन की शादी की बड़े अच्छे धनाटे घर में गई है, भाई भी अच्छा धनाटे है, लेकिन जहां पर शेयर का व्यापार है और सबका सब जो है कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं, तो ऐसी स्थिति हो गई कि करोड़पति लोकपति हो गए और बहन के यहां पर शादी है, कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन फिर भी मजबूरी में गया होगा। और जब लोगों ने उसको देखा ढंग के वस्त्र भी नहीं है, पूछा उसे कि कौन है, तो उसने कह दिया हमारे घर का नौकर आया है। अपनी बहन की लाज रखने के लिए उसने कुछ नहीं बोला और घर में लोग जो है घर का नौकर आया है तो खूब उससे काम कर रहा है, और उसने भी जो है गरीब है इसलिए खूब काम किया, लेकिन मन में जो है पीड़ा लेकर भी वो लौटा। और फिर समय परिवर्तित हुआ, फिर से वो धनाढ्य हो गया।
और एक बार जब वो अपनी बहन के यहां पर गया तो उस समय में अच्छे हीरे जवाहरात पहन करके अच्छे कोट वगैरह पहन करके गया, और आज बहन जो है दरवाजे पर आरती उतारने के लिए खड़ी हुई, और उस समय में भाई कहता है कि इन कपड़ों की इन गहनों की आरती उतारो बहन, शरीर तो मेरा भी पहले वैसे ही था लेकिन ऐसी स्थिति ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। तो वो वहां पर कहा है कि जो मधुर शब्दों का प्रयोग नहीं करते वो जो है मुख के समान संज्ञा नहीं करते। एक राजा जो चटाई बिछा करके सामायिक कर रहा वृत्ति था, और सामायिक करते करते उसने बीच में देखा कि एक महिला जो है दौड़ते दौड़ते उस चढ़ाई के ऊपर से निकल गई। बाद में जो है जब उससे मिलना हुआ तो राजा जो है उस पर रुष्ट होने लगे, तुम्हारी इतनी हिमाकत की तुमने जो है राजा की पिछली चढ़ाई के ऊपर पैर रख दिया। उस समय में वो कहने लगी कि मैंने खबर सुनी थी कि मेरा पति आया हुआ है, बहुत वर्षों के बाद में उसकी खबर सुनकर के मैं बिल्कुल दौड़ करके बेमान होकर के दौड़ रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने आपकी चढ़ाई के ऊपर पैर रख दिया और मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप तो जो है परमात्मा के ध्यान में डूबे हुए थे और वहां से आपका ध्यान चटाई के ऊपर कैसे चला गया। यहां पर जो है कि जो समय पर जो है सही बोलता है वो ही जो है प्रशंसनीय होता है, ये कहने को साथ साथ में दृष्टि रखने की बात है। जहां कई उदाहरण अपने आंखों में आते हैं जिनके बारे में एक बार मैंने सुनाया था कि वज्र भानु जो राजकुमार अपनी पत्नी पर मोहित होकर के और ससुराल जाने के लिए साथ साथ में तैयार हो गया था, उस समय में उसके साले उदय सुंदर ने जब वो मुनिराज को देखते हैं और उस समय में सोचते हैं कि धन्य है इनका जीवन, मैं कितना मोही के इनके साथ साथ में जाने को तैयार हो गया, तो उस समय में वो बोलता है कि लगता है जिया जी आप महाराज को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपकी दीक्षा लेने के लिए, और वो उस समय में अपने भावों को छुपा करके उससे कहता है कि तुम्हारा क्या विचार है। तो वो कहता है कि यदि आप इच्छा लोगे तो मैं भी साथ में तैयार हूं, और वो कहता है तुम्हारी तो जान तुम्हारा भाव हो इच्छा लेने का तो ठीक नहीं हो तो ठीक, लेकिन मैं तो अभी इच्छा नहीं लेता। जब सुकुमाल अपने घर में थे और माता ने ऐसी जो है व्यवस्था की थी कि मुनिराज के दर्शन ना हो पाए, लेकिन उनके जो मामा मुनि थे और उन्होंने अपनी अभिज्ञान के माध्यम से जान लिया था कि अब जो है सुकुमाल की बहुत कम आयु अवशिष्ट रह गई है, तो वही चतुर्मास करने के लिए पहुंच गए। माता जो है वहां पर महाराज उनके भाई उनसे कहती है कि महाराज और कहीं चतुर्मास करो, महाराज कहने लगे कि भाई आज तो पंचमी है अब तो जो है कहीं जा ही नहीं सकते, श्रावण की पंचमी तक की सीमा होती है। तो मां को कहती है कि अब ठीक है आप यहां पर रहो तो लेकिन कम से कम जो है थोड़ी धीरे धीरे जो कुछ भी पढ़ना वगैरह हो आपको पाठ वगैरह धीरे धीरे किया करो,
जब महाराज को लगा कि अब जो है चतुर्मास का समय समाप्त हो गया है और इसकी आयु भी अब थोड़ी सी दिन की बची है, तो वो तेज तेज स्वर में जिस स्वर्ग में सुकुमार रह करके आए थे पहले, उस स्वर्ग के बारे में वो वर्णन करने लगे। सुन करके सुकुमार को भी उस स्वर्ग में मैं सोचता था कि कब मनुष्य बनकर के मुक्ति के मार्ग पर चलूंगा और मैं कैसा जो है वो मैं फर्स्ट है। और उस समय में आप सब लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस कोम के फंदे से छूट करके मुक्ति के लिए प्रयास किया। तो ये उस समय में यदि वो नहीं बोलते तो भी वो वहां पर ठीक नहीं था। एक बार कथानक में कि जहां राजकुमार अपनी मां के ऊपर ही मोहित होकर के जानता नहीं था, सुंदर स्त्री समझ करके जा रहा था, तो उस समय में महाराज उसको मां पक्ष मत जाओ ऐसा उन्होंने रात्रि के समय में कहकर के उसको रोका। धनंजय कवि के बारे में भी हमने सुनाया था कि जिस समय में राजा के पास में एक व्यक्ति उपहार देने के लिए गया हुआ है और वहां पर जो लकड़ियां रखी हैं वो लकड़ियां काली काली जली हुई लकड़ियों को देख करके राजा क्रोधित हो जाते हैं। हुआ ये था कि किसी ने खुटे दान दिए थे, किसी चोर ने उनको चुरा लिया और उसकी जगह पर वो खुटे रख दिए, वो लकड़ियां रख दी। तो उस समय में राजा क्रोधित होते हैं और उस समय में वो धनंजय कवि सोचते हैं कि यदि इस समय नहीं बोला तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती। तो उस समय में उन्होंने कहा कि महाराज इसने आपके सामने एक प्रश्न रखा है, इसने तीन लकड़ियां की प्रतीक के रूप में कि एक आदिनाथ भगवान का प्रतीक है जिन्होंने कर्मों को नष्ट करके मुक्ति प्राप्त की, एक हनुमान का प्रतीक है जिन्होंने रावण की लंका को जला दिया और एक अर्जुन का प्रतीक है जिन्होंने जंगल को जला करके नगरी पर बसाया और ये प्रश्न रख रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिसने कि गरीब को जलाया हो। ये प्रश्न आपके सामने रखा, यदि उस समय में धनंजय कवि नहीं बोलते तो उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो सकती। तो उस समय में जो है बोलना भी जरूरी। अंजना के बारे में आपने कि अंजना ने दो सहेलियों के द्वारा अलग अलग बात कहनी पाई, एक तो पवन देवी की प्रशंसा कर रही थी उस समय में मुस्कुराई और दूसरे ने कह दिया कि किसी दूसरे से विवाह होने वाला था, उसके साथ जो सुख मिलता है इसके साथ ऐसा सुख नहीं मिलेगा और वो कुछ नहीं बोलती। तो उस समय में उनके मन में जो है शंका हो जाती है, लगता है ये भी जो है इसके लिए चाहिए। एक दुकान थी जिसके ऊपर नोटिस लगा हुआ था कि ये दुकान बैंक के पोजीशन में है और इसकी नीलामी होने वाली है। वो व्यक्ति वहां पर देख करके उसको स्मरण हो जाता है कि ये एजेंट की दुकान थी जो टिकट आदि बनाता था और एक बार दिल्ली एम्स के लिए जाना था और वहां पर टिकट के लिए जब इससे बोला तो इसने 10 गुना रेट बताया और उस समय में उसने कहा कि तुम तो जो है हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने वहां पर कहा कि हमारा व्यापार ही मजबूरी का फायदा उठा। उस समय में उस गरीब के मन से हाय निकली थी और उसका फल कहो या इसकी ही बात करता हो कि उसकी जो है वो दुकान अब आजकल ऑनलाइन जो है काम होने लगा है तो वो सारी ठप हो गई और नीलामी की स्थिति पहुंच गई। तो ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग कैसा करना चाहिए
ये हमें इसके माध्यम से प्रेरणा मिली। जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मोह में सावन के समय में अपनी पत्नी को मायके भेजने के लिए तैयार हुए, फिर भी लोगों की बात मान कर के भैया सावन में तो न जाती है और छोड़ दिया, लेकिन फिर जो है उससे मिलने के लिए अर्धरात्रि में जब पढ़ते हैं तो बरसात का मौसम है, नदी चढ़ी हुई है, तैरना आता नहीं है और एक फूट देख करके कि चलो इसके सहारे चलते हैं और बार बार के देखा तो फूट नहीं था, कोई लाश लाश की जो वह समय उचित रखती जैसी कड़क हो जाती है। आप लोगों का तो होगा जब ले जाते हैं उसके चलाने में, होता है ऐसा कि हमने हमें अनुभव नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि सुना हमारे है केवल, लेकिन आप लोग जब चलाने जाते थे तो उस समय में आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो है उस पर चल करके उतरे और बाद में पत्नी का घर जहां पर पत्नी रहती है वो कमरा पीछे है और पीछे जा करके ऊपर का कमरा है, कैसे चढ़े तो देखते हैं कि रस्सी जैसी दिखाई दे रही है और उस रस्सी का सहारा लेकर के चढ़ते हैं, जाकर के अपनी पत्नी को जगाते हैं, पत्नी घबरा जाती है तो कहते हैं कि मैं हूं घबराओ नहीं, कहते ऐसी रात में कैसे आ गए, कहते हैं कि एक लकड़ी पर फूट समझ करके वैसे वो लाश निकली उस पर चढ़ करके आए हैं और अभी एक रस्सी लटकी हुई थी तो मैं उस पर चढ़ करके आए हैं। पत्नी के लिए यहाँ पे कहाँ पे रस्सी लटकी हुई है, ले जाकर के वो जो है दिया देखती है तो वहां पर उसको सांप जाता हुआ दिखाई देता। तो उस समय में वो उनके लिए जो है उलाहना देती है कि देख वो प्राण प्यारे और देह चाम अति मोहित मारे, इतना प्रेम जो कीनी रामा तो सब होते सुधरे काम। जब ये उन्होंने कहा तो उस समय में तुलसीदास जी के लिए ऐसी जो है चोट लगी कि उन्होंने कि अब मैं जो है कुछ अच्छा काम करके दिखाऊंगा तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने जो है राम का चरित्र अपनी भाषा में लिखा और उसमें भी उन्होंने जो राम का चरित्र लिखा है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि प्राकृत के जो पहले कभी हुए हैं उनका आधार लेकर के उनके भी आधार को लेकर है, प्राकृत का है जैन चरित्र का भी आधार उन्होंने उसमें लिया है। लेकिन यहाँ अगर जिस प्रसंग को ले रहे हैं वो प्रसंग में कि यदि जब शब्दों का प्रयोग यदि अच्छा किया जाता है, समय पर किया जाता है तो वो वाणी का सदुपयोग माल में लगाने के लिए होता है और यदि उसका असदुपयोग किया जाता है जिसमें कि किसी के लिए पीड़ा पहुंचती है तो वो जो है बनाकर मुख के समान मुख्य के समान कहा है। इसलिए यहाँ पर राजा श्री अमोक वत्स ने प्रश्न रखा है यह काले प्रयाणी भक्तों न जानना थी, समय पर जो है प्रिय बच्चों को जो बोलना नहीं जानता वो मुख के समान होता है। इसलिए अपने पास में जो वचन शक्ति प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग अपने लिए हमेशा करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो सबके लिए शांति मिले और अपने लिए भी जहां पर जो उसके माध्यम से कल्याण हो ऐसे शब्दों के उपयोग का भी अपने लिए हमेशा, जहां पर यदि झूठा ही बोलना पड़े किसी के लिए यदि दोस्तों के लिए बालक की बात आती है तो वहां पर कौन रह जाए उसमें भी कुंभे बन जाए तो उसमें कोई भी बाधा नहीं। अक्षर Thank you.
الدين